Morning, dear students. I am P.L. Nareda, assistant professor, and today I will teach you kinds of nouns. आज हम इस वीडियो में नाउन के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है. नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. नाउन का मतलब होता है संज्ञा, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं. और हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन्स, काइंड्स मतलब प्रकार, नाउन्स मतलब नाउन के प्रकार कितने होते हैं उनको हम पढ़ेंगे. किस तरह की संज्ञा को किस प्रकार की संज्ञा में रखा जाता है ये यहाँ हमें देखना है. सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा समझते हैं. ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान या जाति को कहते हैं. जातिवाचक सूचक हो उसको संज्ञा कहते हैं. ए नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द होता है यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, हरि. प्लेस किसी जगह का नाम हो, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़. और थिंग या किसी चीज का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम आ जाता है, जैसे बाल्टी, लोटा, मटका, सब इसमें सम्मिलित है. तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ. संज्ञा की जो परिभाषा आई उसमें आपके पर्सन और प्लेस समझ में आ गया होगा. और थिंग्स से मतलब क्या है, थिंग्स का मतलब है कोई भी, एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, कोई भी वो वस्तु जिसके बारे में हम सोच. सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको गौर से देखिए और आपके संज्ञा जो है नाउन समझ में आ जाएगी. लॉर्ड राम वॉज द वाइज किंग. सेंटेंस को देखिए, लॉर्ड राम जो है, भगवान राम वॉज अ वाइज किंग, एक बुद्धिमान राजा थे. अब इस सेंटेंस का हम विश्लेषण करते हैं. द नाउन राम रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग. राम जो नाम है वो किसी एक पर्टिकुलर राजा को बता रहा है. बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू राम. लेकिन यहाँ पे जो राम के साथ जो किंग वर्ड जुड़ा हुआ है, किंग, राम का मतलब तो पर्टिकुलर कोई राजा हो गया, लेकिन जो किंग जो वर्ड है वो किसी भी राजा के साथ जुड़ सकता है, वो कॉमन हो गया है. तो यहां पर जो राम है इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर, क्योंकि वो किसी एक विशेष राजा के लिए नाम आया है. लेकिन किंग जो है वो किसी भी राजा के लिए आ सकता है. जितने भी राजा हुए उनके आगे किंग एक कॉमन हो गया. तो यहाँ पर दो शब्द आप समझ गए होंगे, राम मतलब कोई पर्टिकुलर नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है, और किंग जो सब पे अप्लाइड हो जाता है, सब पे लागू हो जाता है, वो कॉमन नाउन है. अब एक और उदाहरण देखिए, ऐसा का ऐसा, सीता इज अ है, तो वो प्रॉपर नाउन है. सीता एक लड़की है, सीता इज ए गर्ल, तो गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है. सीता एक नाम है जो किसी विशेष लड़की का है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. और गर्ल सीता एक लड़की है, तो गर्ल जो वर्ड है वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि
जैसे सीता एक लड़की है, ऐसे गीता भी हो सकती है, रीना भी हो सकती है, टीना भी हो सकती है, लेकिन वो जो गर्ल है वो कॉमन नाउन हो जाता है। यहाँ पे आपके दो बातें समझ में आई होगी, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। हरी इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज अ कॉमन नाउन। इसी तरह यहाँ पे हरी जो शब्द है ये कॉमन नाउन है, सॉरी ये प्रॉपर नाउन है, और बॉय जो है वो कॉमन नाउन है। कोलकाता इज अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज अ कॉमन नाउन। कोलकाता इज ए सिटी, यहाँ पे कोलकाता जो है एक प्रॉपर नाउन हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, और सिटी जो है शहर वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हम कोलकाता की जगह ये भी कह सकते हैं कि कोटा इज ए सिटी। तो कोटा जो नाम है वो प्रॉपर नाउन हो गया और जो सिटी जो है वो कॉमन नाउन हो गया। इंडिया इज ए कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया जो है प्रॉपर नाउन हो गया, कंट्री जो है वो कॉमन नाउन हो गया। इन जो सेंटेंस को हमने देखा, द वर्ड गर्ल इज ए कॉमन नाउन बिकॉज इट इज ए नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। यहाँ पे द वर्ड गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी सीता जो है प्रॉपर नाउन है, बिकॉज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल, क्योंकि ये एक विशेष लड़की का नाम है, इसलिए इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब यहां पे हम विस्तार से समझते हैं, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नाउन एक नाम होता है, गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, जो कि कॉमन रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, और थिंग या किसी वस्तु को दिया जाता है, उसी प्रकार की हो, जो सेम काइंड हो, जो एक जैसी हो। कॉमन का मतलब यहाँ ऐसा होता है, कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, कॉमन का मतलब है जिसको सब शेयर करते हैं, जैसे बॉय जो है कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय किसी का भी हो सकता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान, जैसे आपने दे दिया कोटा, बूंदी, झालावाड़ या जयपुर, जोधपुर, तो ये जो है प्रॉपर नाउन होगी। प्रॉपर मीन्स वन ओवन, प्रॉपर का मतलब होता है खुद का, हैंस द प्रॉपर इज ए पर्सन ओवन नेम, प्रॉपर मतलब खुद का, तो यहाँ पर प्रॉपर जो होता है वो खुद के बारे में होता है। कि प्रॉपर नाउन जो होती है जब हम उसको लिखते हैं तो सबसे पहले कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं जब किसी का नाम लिखा जाता है तो इंग्लिश में उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जैसे राम है तो राम में आर कैपिटल होगा, जब हम लिखेंगे तो आर ए एम, तो आर जो है कैपिटल होगा, किसी का भी नाम लिखेंगे, शहर का हो या व्यक्ति का। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड कॉमन नाउन, कभी कभी क्या होता है प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन की तरह काम में ले लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए, ही वॉज द ल्यूक मैन द वाइजेस्ट मैनी ऑफ हिज एज, यहाँ पे ही जो है ल्यूक मैन, इसको कॉमन नाउन की तरह काम में लिया गया है। यहाँ पे ल्यूक मैन वैसे तो किसी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ ल्यूक मैन का मतलब है द वाइजेस्ट मैनी ऑफ हिज एज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। एक और उदाहरण देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड एज शेक्सपियर, कालिदास जो है प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे कालिदास जो है उसको अक्सर शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को शेक्सपियर, मतलब दूसरे से उपमा दी गई है कि कालिदास जो है शेक्सपियर जैसा है। क्यों है? द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया,
क्योंकि ये इंडिया का महान नाटककार है। जैसे इंग्लैंड का महान नाटककार शेक्सपियर है, ऐसे ही कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन है, क्या शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसकी तुलना उससे कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहाँ पे जो कॉमन नाउन है, जिस कॉमन का मतलब सामान्य जो नाउन होता है, उसको हम दो भागों में फिर से बांट सकते हैं। एक है कलेक्टिव नाउन्स और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, संग्रह। जब हम किन्हीं चीज़ों का संग्रह करते हैं तो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जब किसी चीज़ का या किसी का भाव होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। यहाँ पर आप देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल्स एज। जब हम किन्हीं चीज़ों के संग्रह को बताते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमिटी, ये सब जो है कॉमन नाउन, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। आर्मी से क्या मतलब होता है? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। फ्लीट, शिप्स, जहाज जो होते हैं उनका जो संग्रह है उसको फ्लीट कहेंगे, या वेसल्स। वेसल्स का मतलब भी जहाज ही होता है। फिर इसी तरह से एक क्राउड, भीड़ क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का संग्रह। भीड़ में क्या दो जने थोड़ी होंगे? तो एक संग्रह जो होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि जहां भी कोई किसी ग्रुप के लिए, झुंड के लिए कहा जाए वो कलेक्टिव नाउन होता है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो और क्राउड जो है वो दोनों कलेक्टिव नाउन है। पुलिस का मतलब है पुलिस के जवान, डिस्पर्स क्राउड, क्राउड जो है लोगों की भीड़, तो उसमें एक जना थोड़ी होगा। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफिटेड एट वाटरलू। यहाँ पे आर्मी जो है वो है सेना का समूह, तो ये कलेक्टिव नाउन है। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें जूरी, जूरी का मतलब होता है एक जजों का समूह। जजेज जो होते हैं उनका समूह होता है वो जूरी कहलाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। हर्ड जो होता है वो जानवरों के समूह के लिए आता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब आपके कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु का संग्रह या व्यक्तियों का संग्रह होता है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब चलिए दूसरा जो नाउन है कॉमन नाउन का, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट कंसिडर्ड पार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू विच एक तो क्वालिटी, दूसरा एक्शन और तीसरा स्टेट। स्टेट मतलब स्थिति, क्वालिटी मतलब किस तरह की गुण है उसमें, एक्शन मतलब उसका क्या कार्य है, और तीसरा उसकी स्थिति क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक भाववाचक संज्ञा में क्वालिटी, एक्शन और स्टेट होना चाहिए। क्वालिटी में आप समझिए क्वालिटी क्या होती है, जैसे किसी में गुडनेस है, काइंडनेस है, वाइटनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, हॉनेस्टी है, विजडम है, ब्रेवरी है, ये क्वालिटी होती है। गुडनेस अच्छा है, काइंडनेस दयालुता, वाइटनेस स्वच्छता, डार्कनेस अंधेरापन, हार्डनेस कठोरता, ब्राइटनेस चमकीलापन, ऑनेस्टी ईमानदारी, विजडम बुद्धिमानी, ब्रेवरी बहादुरी। तो ये जो गुण हैं,
जिसको हम गुण कहते हैं वो भाव होता है। जैसे कोई कहे कि वो ईमानदार है, तो ईमानदारी उसके चेहरे से थोड़ी ना दिखती है, उसके कार्य से झलकती है। ये एक भाव है, उसके अंदर ईमानदारी का भाव है। एक्शन, और एक्शन से क्या मतलब है, जैसे लाफ्टर, थेप्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैट्रेड, ये एक्शन होते हैं, ये भी भाव होते हैं। जैसे हंसी, अब हंसी कोई किलो के भाव थोड़ी मिलती है, ये एक भाव होता है। थेप्ट, जैसे उसने चोरी की, तो चोरी का जो भाव है। ऐसे ही मूवमेंट, गति, जजमेंट और हैट्रेड, नफरत, ये भाव होते हैं। और स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, जैसे चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, लड़कपन, यूथ, युवावस्था, स्लेवरी, गुलामी, स्लीप, नींद, सिकनेस, डेथ, पावर्टी, ये भाव है, गरीबी का भाव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसको कहेंगे, भाव होता है एक गरीबी का। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे किसी कला का जो नाम है, किसी साइंस का जो नाम है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये जो है इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। वी कैन स्पीक ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, ए स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी ऑफ देमसेल्फ बाय देमसेल्फ। So also we can speak of what person do or feel apart from the person themselves and give it a name. यहाँ पर देखिए, we can speak of a brave soldier, हम एक बहादुर सिपाही से बात कर सकते हैं, a strong man, एक मजबूत व्यक्ति से, हम एक बहादुर सिपाही से बात कर सकते हैं, a strong man से, a beautiful flower। तो यहाँ पे जो word है मजबूत व्यक्ति, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्रेव सोल्जर, ये भाव है। बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज, हम इन क्वालिटीज के बारे में भी सोच सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति के अलावा भी, थिंक एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी बाय देमसेल्फ, इनके बारे में हम खुद बात कर सकते हैं। शो, वी ऑल्सो कैन वी स्पीक ऑफ वाच पर्सन डू और फील, जो व्यक्ति कार्य करता है या जो महसूस करता है, अगर हम उन गुणों के बारे में सोचते हैं, एंड गिव इट ए नेम, अगर हम उन्हें नाम देते हैं, जैसे कोई बहादुरी से काम करता है तो हम उसकी बहादुरी के बारे में सोचते हैं, तो उसका जो बहादुरी का जो भाव है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉन ऑफ, अर्थात ये एक भाव होता है। Abstract nouns are formed from adjectives, एज। Abstract noun जो होती है उसको adjective से इस तरह से बनाया जाता है। Kindness is a kind of, जैसे kindness from kind, kind से, kind जो है adjective है, उससे kindness बनाया जा सकता है। Honesty from honest, honest जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, उससे हम ऑनेस्टी बना देते हैं। मोस्ट फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जैसे ओबीडियंसी फ्रॉम ओबे, ओबे से ओबीडियंसी बन जाती है, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ग्रो से ग्रोथ बन जाती है। From common noun, common noun से भी हम abstract noun बना सकते हैं, जैसे childhood from child, तो यहाँ पे child जो है ये common noun है, बच्चा, वो किसी का भी हो सकता है बच्चा, और उस child से childhood जो बनेगा तो ये abstract noun बन जाएगी, मतलब common noun से
एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन जाती है। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम, गुलाम किसी का भी हो सकता है, वो कॉमन है, और उससे स्लेवरी जो बनती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और जो नाउन है वो है हमारे पास मटेरियल नाउन। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज मटेरियल नाउन। एक और है मटेरियल मतलब कोई भी विषय वस्तु, उसको हम मटेरियल कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दो तरह की होती है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसकी हम गिनती कर लें, और अनकाउंटेबल मतलब जिसकी हम गिनती ना कर सकें। काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल्स, काउंटेबल नाउन या काउंटेबल्स किन को कहेंगे, आर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स पीपल एक्सेट्रा। किसी ऑब्जेक्ट का नाम होगा या किसी पीपल का नाम होगा, दैट वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये नाउन्स और अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, ऐसे मटेरियल जिनकी गिनती नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है, ऑयल है, सुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों को हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। दे डिनोट, दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग। मुख्य रूप से ये जो है सब्सटेंस मतलब चीज़ों को बताते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को बताते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स, काउंटेबल नाउन जो होती है उनकी प्लूरल फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। लेकिन जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से बुक्स, हम बुक्स कह सकते हैं, बुक का बुक्स हो जाता है, बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, लेकिन हम मिल्क को मिल्क्स नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसकी गिनती नहीं होती। ऐसे नहीं कहा जाता कि एक दूध दे दो, दो दूध दे दो, इस तरह से नहीं कहा जाता, बल्कि हम उसको लीटर में लिया जाता है, तो लीटर काउंटेबल है, लेकिन मिल्क जो है अनकाउंटेबल है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए।